हेलो दोस्तों, आपके अपने डिज़ाइन स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम स्टैट प्रो लेक्चर सीरीज़ का अगला वीडियो देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो है हम पूरा ट्रांसलेशन रिपीट जो कमांड है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने से करते हैं। स्पेस सिलेक्ट कर लिया है, प्रोजेक्ट को आप जो भी नाम देना चाहे वो दे सकते हैं। याद से जो भी फोल्डर आप वर्क कर रहे हैं उसमें सेव कर ले लीजिए। नेक्स्ट, फिनिश। जितनी भी हम सेटिंग अभी कर रहे हैं उसके डिटेल्स वीडियो लिंक में है दिए हुए, आप वो भी रेफर कर सकते हैं। और जो बेसिक सेटिंग्स कैसे करनी है, इसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, सब डिटेल वीडियो हमने पहले ही ये करके रखे, रेडी करके रखे, तो आप लिंक में देख सकते हैं। तो जैसे कि हमारा जो है बेसिक वर्क जो है ग्रिड्स वगैरह सेट करना हो चुका है, तो ट्रांसलेशन रिपीट जो कमांड है वो क्यों यूज़ करते हैं पहले वो देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप ऑटो कैड वगैरह यूज़ करते हो तो उसमें कॉपी कमांड होती है। अगर एक हमें लाइन कॉपी करनी है या फिर एक ऑब्जेक्ट कॉपी करना है तो उसके लिए हमारे पास कॉपी कमांड होती है ऑटो कैड में। बट जैसे कि हमने अभी एक नोड ड्रॉ कर लिया है, एक और दूसरा नोड ड्रॉ कर लिया है और एक नोड ड्रॉ कर लिया, ऐसे हमने तीन नोड ड्रॉ कर लिए हैं। नाउ हमें सिमिलरली दूसरे डायरेक्शन में भी जो है नोड्स जो है चाहिए, तो कैसे हम ये कर सकते हैं? एक तो फिर से हम ड्रॉ कर सकते हैं या फिर हमें कॉपी करना पड़ेगा। तो स्टैट प्रो में एक चीज़ ऐसी है कि हम कॉपी नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमें ट्रांसलेशन रिपीट कमांड यूज़ करनी पड़ती है टू क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। तो दो तरीके हैं अगर हमें ट्रांसलेशन रिपीट कमांड यूज़ करना है। फर्स्ट कि यहाँ पे डायरेक्टली जो है जो अपना जनरल टूल बार होता है सॉफ्टवेयर में, तो वहीं पर हमें ट्रांसलेशन रिपीट कमांड मिल जाती है, या फिर हम ज्योमेट्री में जाते हैं, ज्योमेट्री में यहाँ पर हमें ट्रांसलेशन रिपीट कमांड है। यहाँ पे जैसे हम ट्रांसलेशन रिपीट पे सिलेक्ट करते हैं तो हमें एक विंडो ओपन होता है। विंडो में हमें तीन ऑप्शंस दिखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में बॉटम कॉर्नर में ग्लोबल डायरेक्शन से एक्स वाई जेड, हमें जिस डायरेक्शन में, जैसे कि आपको पता है कि स्टैट प्रो में तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई और जेड, उसमें से हमें कौन से कोऑर्डिनेट में वर्क करना है आपको कोऑर्डिनेट सिलेक्ट करने हैं। फर्स्टिंग जैसे कि अभी हमने x कोऑर्डिनेट लिया है बाय डिफॉल्ट, हम वही देखते हैं। तो जैसे हमारे बीम क्रिएट हो चुके हैं तो हम बीम कर्सर के लिए भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स बना के रखे कि कौन सा कर्सर कैसे यूज़ करना है और किस तरह से कर्सर के जो बेनिफिट्स होते हैं अलग वर्क में हम यूज़ करते हैं, तो उसके भी वीडियो आप लिंक में देख सकते हो। तो हम जैसे अभी x डायरेक्शन में ये जो बीम क्रिएट हुए वो कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आप और ऑप्शन देखोगे टूल बॉक्स में, जैसे स्पेसिंग है, बाय डिफॉल्ट स्पेसिंग है, तो जैसे ये बीम्स है जो हमारे दो बीम क्रिएट हो चुके, हमें कितने डिस्टेंस पे चाहिए, तो जैसे अज्यूम करते हैं कि हमें एक 6 मीटर पे चाहिए और ऐसे हमें कितने बीम चाहिए, तो यहाँ पे समझ लीजिए कि हमें ऐसे और 4 बीम चाहिए, तो मैं यहाँ पे करता हूँ 1, 2 हो गए, 3, 4, अब हमारे इक्वली 6 मीटर पे 4 वो बीम बाय डिफॉल्ट ले लेंगे और हम ओके कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि बीम्स कॉपी हो गए हैं लेकिन इंटरमीडिएट जो बीम्स है वो कॉपी नहीं हुए हैं, तो ऐसा क्यों है? तो हम एक बार अंडू कर लेते हैं, यह हमारा अंडू हो गया, फिर से हम बीम सिलेक्ट कर लेते हैं और ट्रांसलेशन रिपीट में जाते हैं। यहाँ पे हमने एक्स डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट लिया है, हम यहाँ पे फिर से 6 मीटर करते हैं और नंबर ऑफ स्टेप जो हमें बीम्स है वो 4 चाहिए, 4 कर लिए। लेकिन जब हमने फर्स्ट टाइम कमांड यूज़ की थी हमने लिंक स्टेप सिलेक्ट नहीं किया था, अब हम लिंक स्टेप सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। तो जैसे आप देखोगे कि जो इंटरमीडिएट है जो पहले हमने सिलेक्ट किए थे तब नहीं आए थे, जैसे ये इंटरमीडिएट जो सपोर्ट्स हो गए, ये हो गए, ये हो गए, तो ये जब हमने ट्रांसलेशन रिपीट में लिंक स्टेप ऑन नहीं किया था तब सिलेक्ट नहीं हुए थे। तो इस हिसाब से हम एक्स डायरेक्शन में अगर वर्क करना चाहते हैं तो
लिंक स्टेप या फिर ऑब्जेक्ट कॉपी करना है तो किस तरह से ट्रांसलेशन रिपीट का हम यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली जो Z डायरेक्शन है, जैसे हम अब ये जो पोर्शन है इसे हम एक्सटेंड, या फिर सिर्फ इतना ही जो पोर्शन है हमें एक्सटेंड करना है, फिर से लिंक स्टेप यूज करते हैं। अभी हमें Z डायरेक्शन में जाना है, ये हो गया Z डायरेक्शन। हाई मीटर रखते हैं, लिंक स्टेप ऑन कर लिया, ओके। अच्छा हाँ, अभी जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था वो नीचे की साइड में आ गया है, हमें ऊपर की साइड में चाहिए था, तो फिर से एक बार अंडू कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में ट्रांसलेशन रिपीट हमें Z डायरेक्शन में वर्क करना है। यहाँ पे हमें माइनस सिलेक्ट करना था, क्यों माइनस सिलेक्ट करना था ये देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे आप देखोगे यहाँ पे लेफ्ट साइड जहाँ पे मैंने कभी कर्सर रखा है तो यहाँ पे Z दिखा रहे हैं, Z डाउन में है, मतलब मुझे अगर नीचे जाना है तो पॉजिटिव रखना पड़ेगा और ऊपर जाना है तो निगेटिव रखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने अभी Z को जो है माइनस कर लिया है, मुझे अब ऊपर जो है 5 मीटर पे दो ब्लॉक्स चाहिए, लिंक स्टेप ऑन कर दिया, ये हो गया। तो इस हिसाब से जो मेरे दो जो ब्लॉक्स हैं हमारे वो रेडी हो चुके हैं। सिमिलरली अब मैं नीचे की साइड में आता हूँ, मैंने दो बीम सिलेक्ट कर लिए हैं, फिर से ट्रांसलेशन रिपीट Z डायरेक्शन, 5 मीटर की ही मुझे ब्लॉक चाहिए, मुझे दो ब्लॉक चाहिए, लिंक स्टेप ऑन करते। अब माइनस सिलेक्ट नहीं करना है, लेफ्ट साइड पे आप देख लीजिए जैसे कि Z है डाउन साइड में तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ओके कीजिए। तो इस हिसाब से अपना जो स्ट्रक्चर है वो रेडी हो चुका है, लेकिन ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये हॉरिजेंटल प्लेटफॉर्म पे रेडी हुआ है, वर्टिकल प्लेटफॉर्म पे रेडी नहीं हुआ है, तो हम इसे जो है आइसोमेट्रिक व्यू में ले जाते हैं। नाउ हमें जो है पूरा स्ट्रक्चर अप और डाउन चाहिए, तो डाउन में हमारे जनरली कॉलम्स होते हैं, तो पूरे नोड्स जो है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, पूरे नोड्स जो है हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद में ट्रांसलेशन रिपीट वाई डायरेक्शन, फिर से कर्सर देखते हैं हम, जैसे वाई ऊपर है मतलब पॉजिटिव हो गया, हम जनरली 2.1 की एक जो है फाउंडेशन की हाइट लेते हैं, लेकिन अब जैसे हमें नीचे जाना है वाई हमारा ऊपर है मतलब हमें माइनस लेना है। सिमिलरली लिंक स्टेप ऑन करना है, एक ही हमें स्टेप चाहिए इसलिए आपके हमने नंबर ऑफ स्टेप में 1 रखा है। अगर ओके करते हैं तो हमारे पूरे जो फाउंडेशन है वो रेडी हो चुका है। उसके बाद में अभी हमें जो स्ट्रक्चर है ऊपर ले जाना है, तो ऊपर कैसे ले जाएंगे, तो हम फ्रंट व्यू में आते हैं। यहाँ से जो है फ्रंट व्यू में हम इसलिए आए हैं कि जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है वो थोड़ा ईजी हो जाता है। जैसे हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, फिर से 3D व्यू में हमारा ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है कि पूरा सिलेक्ट हो चुका है। फिर से हम ट्रांसलेशन रिपीट यूज करते हैं, वाई डायरेक्शन में जाना है हमें, जो हमारा स्टोरी हाइट रहता है जनरली 3 मीटर रहता है नॉर्मल रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, तो इसलिए हम 3.1 लेते हैं, लिंक स्टेप ऑन कर लेते हैं, देखते हैं कि हम G+5 बिल्डिंग का या फिर G+4 बिल्डिंग का कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे 5 हो गए, ओके करते हैं। तो इस हिसाब से जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है वो रेडी हो जाता है। वहीं पे टूल बार में पैरामीड का सिंबल से हम उसे 3D रेंडर व्यू भी कहते हैं, तो ये हमारा 3D जो रेंडर व्यू है वो पूरा का पूरा जो है इस तरह से रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। इस तरह से हमारा जो पूरा जो है स्ट्रक्चर है वो रेडी हो चुका है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ट्रांसलेशन रिपीट कमांड जो है उसका पूरा डिटेल जो है कैसे यूज करना है, किस तरह से हम यूज करके स्ट्रक्चर यूज करते हैं, या फिर कोऑर्डिनेट्स जो है ध्यान रख के कैसे प्लस लेना है कि माइनस लेना है, वो सब चीजें जो है आपको समझ में आ गई होंगी। अगर हमारे वीडियो आपको नॉलेजेबल लगते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आप नए होंगे हमारे चैनल पे तो शेयर कीजिए, और इसी के साथ हमारा जो वीडियो है आज के लेक्चर सीरीज का यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।